पंजाब के 8 से 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, स्कूलों को बंद कर दिया गया, वैक्सीन ले चुके लोगों में भी संक्रमण के केस मिल रहे हैं। यकीनन हालात अच्छे नहीं हैं। पंजाब को लेके ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वापसी की अब सिर्फ आशंका भर नहीं है, बल्कि महामारी फिर से अपना पैर फैला चुका है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ हेल्थ वर्कर संक्रमित हुए हैं। चिंता इस बात की है कि कई ऐसे स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हुए हैं जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। इसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि पंजाब में वायरस में कोई ऐसा म्यूटेशन जरूर हो गया है जिस पर वैक्सीन का असर नहीं हो रहा। जबलपुर से भी ऐसी ही खबर आई है। जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कर्मवीर शर्मा को भी वैक्सीन लगाई जा चुकी थी, फिलहाल वो होम क्वारंटीन में हैं। हल्के बुखार के बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया तो कोरोना की पुष्टि हुई। दरअसल कर्मवीर शर्मा की लापरवाही उन पर भारी पड़ी। उन्होंने 8 फरवरी को पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज ली ही नहीं। जबलपुर और पंजाब से आई ये खबरें हैरान और परेशान करने वाली है। पंजाब ने तो एहतियात के तौर पर अपने स्कूलों को बंद कर दिया है और बोर्ड की परीक्षाएं भी फिलहाल टाल दी गई है। ऐसे है कि पूरे संसार में दोबारा एक स्ट्रेन आई है, उसका असर हिंदुस्तान में भी देखने में बहुत बड़े पैमाने पे मिला है और सेम ही पैटर्न पे पंजाब में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और पिछले 10 दिन से लगातार जो केसों में वाधा हो रहा है और जो हमारी सरकार की तरफ से जो हमारी मेडिकल जो टीमें हैं वो ही सेम प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर रही हैं जो इससे पहले लास्ट ईयर में किया था। पंजाब के शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य में 22 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षा अब 20 अप्रैल से 24 मई तक करवाई जाएगी। वहीं 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मई से 24 मई तक होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।